नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंशी शर्मा और आप सभी का स्वागत है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर को आज पुलिस स्टेशन रियासी में हिरासत में रखा गया था। क्या कारण था इनके अनुसार कि ये आज लेफ्टिनेंट गवर्नर को मेमोरेंडम देने की कोशिश कर रहे थे। इनकी कोशिश थी कि उनसे मिलकर उनको अपनी समस्याएं बताई जाए। जिस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप को खत्म किया गया है उससे ये बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है। उनको बताया जाए कि किस तरह से तमाम 15,000 के करीब जो इंजीनियर थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में वो बेरोजगार हुए हैं, उनको इस समस्या से रूबरू करवाया जाए, जिसको लेकर ये मिलने की कोशिश कहीं ना कहीं इनकी थी, लेकिन इनको पुलिस स्टेशन हिरासत में रखा गया था। ये इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कारण था कि इन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। सर, क्या हुआ था, कहाँ पे आप थे और कहाँ से आपको पुलिस ने पकड़ा था, फिर हिरासत में रखा गया और कितनी देर के बाद आपको छोड़ा गया? नमस्कार जी। देखो जी, जैसे आपको पता ही है, जिस तरह से पिछले कुछ दिन पहले जो इनकी तरफ से जो एक ऑर्डर निकाला गया और जिसके कारण हजारों के हिसाब से जो इंजीनियर है वो बेरोजगार हो गए और रातों रात सड़कों पे आ गए, और जिसके चलते हम रियासी के अंदर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रदर्शन अपना प्रोग्राम जो भी होता है एक मतलब अपनी आवाज़ को मीडिया के सामने रख रहे थे। और इसके बाद जो पिछले कल हमें पता चला कि जो राज्यपाल आ रहे हैं, यहाँ पे उपराज्यपाल आ रहे हैं, और जिसके कहते हमने यहाँ पे डीसी ऑफिस में एक एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने हमें ये कहा कि चांसेस तो कम है लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको मौका मिला तो मिलने का मौका दिया जाएगा। और जिसके चलते हमने 5-7 इंजीनियर जहाँ पे जो ग्रुप लीडर थे वो इकट्ठे हुए और हम यहाँ पे थे, और हमारा एक और भी था कि हम मीडिया के सामने भी अपनी बात को रखेंगे आज। लेकिन मीडिया जहाँ पे जो राज्यपाल आए हुए थे तो जिसके कारण हम मीडिया ने हमें कहा कि हम फिर कभी रखेंगे, आज नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इस चीज का वेट कर रहे थे कि अंदर से हमें कोई बुलाएगा और हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि एकदम से पुलिस आती है, कुछ लड़के अब हम वापस की ओर जा रहे थे, घर जा रहे थे, लेकिन कुछ लड़कों को किला जो है वहां से उठा दिया गया। मैं खुद जो दुकान पे बैठा हुआ था वहां से उठा दिया गया और हमें ये कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे। अगर प्रदर्शन कर रहे थे तो बताइए हमने कहां प्रदर्शन किया। हमारे हाथ में ये एक पेन था और कुछ नहीं था इसके अलावा, ना तो हमारे हाथ में कोई पत्थर है, ना तो हमारे हाथ में कोई झंडे थे, ना ही हम कहीं रोड पे बैठे हुए थे। आखिर फिर क्यों हमें उठा दिया गया ये बताया जाए। और इन्होंने हमें कम से कम 2-2.5 घंटे जो है हिरासत में रखा और उसके बाद कुछ मजलके या पता नहीं क्या कुछ होता है वो भरा। क्यों हो रहा है, हमने किया क्या है? हमने तो अपनी बात उनसे बस यही पूछना चाहते थे कि हमें रातों रात आपने क्यों बेघर कर दिया, हमारी रोजी रोटी हमारे पेट पे लात क्यों मार दी। ये रोजगार देने की बात करते हैं और आज ये रोजगार हमसे ले रहे हैं, आखिर क्यों? एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आत्मनिर्भर की बात करते हैं और करोड़ों अरबों रुपया इसमें खर्च भी कर लिया, हम सराहना करते हैं इस कार्य की, लेकिन जो हमारे साथ क्या हो रहा है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस समय, और हम टोटली मजबूर हैं और लाचार हैं इस समय। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे, और इसके बाद हमारे पेरेंट्स आए तो उन्होंने छोड़ दिया। आखिर हमने किया क्या कि जो इन्होंने जो कुछ भराया हमसे लिखवाया पेरेंट्स को बुलाना पड़ा, आखिर क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आ रहा है इस समय। तो जो मेमोरेंडम आपने दिया था, क्या उम्मीद है कि वो पहुंचा होगा वहां तक और आपकी बात को सुना जाएगा, लेकिन उसके विपरीत कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को हमें मिला? सर देखिए, हमने तो अपने अपनी तरफ से जो जो देना था सब दिया और हमें आश्वासन भी दिया गया कि आपको हो सकता है मिलने के लिए बुलाया जाए। ऐसा किसने कहा था जी? अंदर ही बोला था, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने ही बोला था कि हो सकता है आपको बुलाया जाए, लेकिन हम जब सुबह इधर आते हैं हमें पता चलता है कि हमें मीटिंग हमारी उनके साथ फिक्स नहीं हुई, तो इसलिए हम सारे मित्र जन सारे इकट्ठा हुए थे, हमारे यूनियन के इकट्ठे हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, कोई बंदा पेट्रोल पंप से उठाया, कोई दुकान से उठाया, ये समझ नहीं आ रही कि हम गवर्नर साहब से मिल नहीं सकते, यूनियन अपनी इकट्ठी कर नहीं सकते, तो मतलब हम इस बात को ऐसे ही छोड़ दें कि आपने रातों रात 15,000 प्लस इंजीनियरों को बेरोजगार कर दिया। तो ये इन्होंने काम किया रातों रात, इन्होंने 15,000 इंजीनियरों के साथ खिलवाड़ कर दिया, मजाक बना के रख दिया, और आज हमें उठाया गया इधर से, हमसे मजलके भरे गए सर, मजलके जो है क्रिमिनल पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ था कि पुलिस स्टेशन का रुख आपको करना पड़े वहां पे पुलिस? सर आज तक हमने लाइब्रेरी देखी थी, कॉलेज देखे थे, यही चीजें देखी थी, आज पुलिस स्टेशन के पहली बार दर्शन हो गए और हमें बहुत खुशी हुई हमारे ड्यूटी में कि आज हमें इनकी दया से पुलिस स्टेशन के भी दर्शन हो गए। यूटी बनी थी, कहीं ये उम्मीदें थी आपको कि सेल्फ हेल्प ग्रुप तो है लेकिन क्या नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन उसके कहीं ना कहीं? सर हमें पूरी उम्मीद थी नौकरियां मिलेंगी, लेकिन इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के जो करनी थी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट खत्म करने के वादे किए थे, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी, और मुझे समझ नहीं आ रही है इस स्कीम का इनको नुकसान क्या था।
ये हमारे लिए कोई एडिशनल फंडिंग नहीं लाते थे, जो पैसा आता था हमें 30% उसका देते थे और हम काम करते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने तो 15 अगस्त को भी बहुत अच्छा बोला, आत्मनिर्भर बनिए। तो जनाब हम तो आत्मनिर्भर ही थे ना, हम यही पूछने आए थे आज, हम यही मिलने आए थे कि हम आत्मनिर्भर थे, हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। लेकिन हमें पुलिस स्टेशन के मुंह दिखा देखने पड़े, आज घर वालों से बात करानी पड़ी, मुझलके भरने पड़े। हम कौन से भारत में रह रहे हैं? क्या हम पत्थर मार रहे थे? हम कर क्या रहे थे? इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किए थे, क्या किसी अधिकारी से बात हुई है? कुछ पता चला है कि ऐसा क्या कारण रहा कि एकदम से अचानक रातों रात ये फैसला लेना पड़ा और तमाम इंजीनियर्स को जो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे, जिनको नौकरियां नहीं दी थी सरकार ने, वो रोजगार उनको कहीं ना कहीं मिल रहा था तो उनको बेरोजगार कर दिया गया? कहीं पे बात हुई और उम्मीद किसी ने जगाई कि इस फैसले को वापस लिया जाएगा? नहीं सर, अभी तक उम्मीद जगी नहीं रही है। अगर उम्मीद जगती तो आज हम इधर क्यों आते? उम्मीद कहीं से मिल ही नहीं रही है और हमें ये पुलिस स्टेशन के रास्ते दिखा रहे हैं। उम्मीद क्यों छोड़िए, जो हमें थोड़ा बहुत आ रहे हैं, घर वाले भी नहीं हमें भेजेंगे। वो बोले घर पे ही बैठ, तूने पुलिस स्टेशन का हमें मुंह दिखा दिया आज। उनको थोड़ी पता है, उनको क्या? मेरी बात सुनिए आप, हम कमा रहे थे, खा रहे थे, इनका क्या जा रहा है कि ये रातों रात हमें अबॉलिश ही कर गए और इनका अधिकारी कोई या कोई लीडरशिप कोई आए, उन्होंने हमसे बात तक नहीं की है कि आपका क्या बनेगा या आपके लिए हमने क्या सोचा हुआ है। जो हमारे लिए पुरानी गवर्नमेंट ने कोई फ्यूचर कोई डिसाइड किया था, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। और मैं इनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि फैसिलिटीज लाएंगे, सर हमें हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, हमें आपकी कोई फैसिलिटीज नहीं चाहिए, जो पुरानी फैसिलिटीज है सर वही दे दो, बहुत आपका आज्ञाकारी रहेंगे। जो पुरानी फैसिलिटी थी वही दे दो। आपसे जानना चाहेंगे अब कैसे चलेगा, फिर घर का पालन पोषण भी कहीं ना कहीं करना होता है, जिम्मेवारी है आपकी, तो अब किस तरह से चलेगा? इस टाइम घर का पालन पोषण दूर की बात है, इस टाइम जो हमारे अंदर फीलिंग आ रही है कि हमारे घर वाले कहते थे हमारे बेटे हमारा नाम रोशन करेंगे, आज हम घर जाएंगे हमारे घर वाले क्या कहेंगे कि आप पुलिस स्टेशन से होके मचल के भरकर आए हैं, इसके लिए हमने इंजीनियरिंग की। अगर यही कुछ करना था, हम कोई क्राइम करके मचल के भरवाते घर वालों से, इसके लिए तो हमने इंजीनियरिंग नहीं की थी कि हम 3 से 4 साल लगा के इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद हम कहीं अपनी बात रखने जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के आगे तो हमको अंदर करके मेहमान से मचल के दबाया जा रहा है। बिल्कुल, हमको दबाया नहीं जा रहा, मैं आपको कह रहा हूँ हमको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। आज हमने कुछ नहीं किया, बोलना तो बड़ी दूर की बात थी, अभी हम वहां पहुंचे भी नहीं थे, हमें पहले ही दबा दिया गया कि आप इस लायक ही नहीं होगे, आप कुछ बोल सकते हो। आत्मनिर्भर की बात है तो हम सिर्फ खुद आत्मनिर्भर नहीं थे, हम आगे लेबर को भी दे रहे थे, उनका भी घर चल रहा था हमारे सिर से। 15,000 इंजीनियर नहीं, उनके साथ उनकी पूरी टीम अनएम्प्लॉयड हुई और हम बोले भी नहीं, हमारे मुंह से कोई आके निवाला छीनता है और हम शांति से बैठ के देखते रहे, हाँ वो ले गया, हमारा था ही, ऐसा क्यों? कारण क्या लगता है आपको, क्यों अचानक ये फैसला लेना पड़ा, कुछ समझ आया आपको? ऐसा तो कुछ भी नहीं समझ आया कि यहाँ पे तो कुछ ठेकेदारों के साथ हो सकता है ऐसा कोई षड्यंत्र हो, ठेकेदारों को हो कि ये कल के लड़के क्यों काम ले रहे हैं, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा काम तो मिल नहीं रहा, उन्हीं के कोटे से कुछ हमको निकाल के दिया जा रहा है ना, उनको नहीं बर्दाश्त हुआ होगा कि हमारा कोटा ये लड़के क्यों ले, ये बड़ा गलत हो रहा है। इससे अगर आज हम अपना प्रोटेस्ट तो बड़ी दूर की बात है, मतलब हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, बाकी पत्थर चलाना बोल चलाना तो हम करना भी नहीं चाहते ना हम करेंगे, लेकिन ये बिना उसके अगर हमको मचल के बनने पड़े तो हमने इंजीनियरिंग क्यों की थी, क्यों कहते हैं अपनी मैनिफेस्टो में क्यों लिखा था कि हम जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट, मुझे लगता है वहां पे उनसे प्रिंटिंग की मिस्टेक हो गई है, उन्होंने जनरेट करनी थी अनएम्प्लॉयमेंट, उन्होंने जहाँ पे लिखा है वी विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट उसकी जगह लिख दिया चाहिए था वी विल जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट और जो काम कर रहे हैं हम उनको भी रास्ते पे लाकर खड़ा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी नॉलेज में ऐसा कुछ है, ये ऐसे ही इन्होंने खत्म कर दिए हैं, ये मुर्मू सर जो थे ये वो खत्म करके गए थे, हमने तो यही सुना था लास्ट में इनसे साइन करवा लिए बस ये खत्म कर दिया, इसकी ना ही कोई इन्होंने डिसएडवांटेज दिखाई ना ही कोई एडवांटेजेस तो थी, हम काम कर रहे थे एम्प्लॉयड हुए थे खुद से, वो तो अनएम्प्लॉयड कर दिए इन्होंने हमें, ना ही इनकी वो डिसएडवांटेज दिखाई इन्होंने हमें। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा, कुछ समझ में आया आपकी? कुछ समझ में नहीं आया अभी तक ये क्या कहना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं, इतना लग रहा है कि बीजेपी यही चाहती है कि हम रोड पे आ जाएं, हमें तो यही लग रहा है बिल्कुल। हमारे ना ही मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं हमें अभी तक, हमारे साथ जो हमारे यहाँ के एमएलए उन्होंने अभी तक सपोर्ट नहीं किया हमें, ना ही बात हुई आपकी, बात हो चुकी हुई है पहले भी कितनी बार करनी है, उनको भी पता चल रहा है यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहले भी प्रोटेस्ट हुआ थोड़े दिन पहले आपके चैनल पे भी था वो, तो इन्होंने देखा नहीं होगा क्या, उनको भी तो पता है ना ये चीज, बीजेपी ही स्कीम ला रही है तो फिर भी उनको नहीं पता चल रहा। तो अब किस तरह से चलेगा सारा, जैसे पहले कुछ काम आपको मिल जाता था लेकिन अब किस तरह से आपका घर का खर्चा चलेगा या आपका अपना खर्चा चलेगा? अभी कहाँ से चलेगा खर्चा, हम तो रोड पे बैठे हैं, मुझे तो लग रहा है कहीं मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा जैसे हमारी गवर्नमेंट चाहती है, हमें कहीं मंदिर पे आना पड़ेगा, हमारा जो पुराना पैसा है वो तो सोच ही नहीं रही गवर्नमेंट, उसके लिए किसी ने बात नहीं करनी, हमारी जो लायबिलिटी वो कौन देगा, कोई पूछ ही नहीं रहा है।